जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि हजारों साल पहले लिखा गया दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था, जो आज भी सुरक्षित रखा गया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए जानते हैं हजारों साल पहले लिखे गए पत्र के बारे में, जिसने लिखा था यह पत्र। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महारानी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को लिखा था सबसे पहला प्रेम पत्र। विदर्भ के राजा और भीष्मक की पुत्री राजकुमारी रुक्मणी ने प्रथम प्रेम पत्र लिखा था, जो आज भी द्वारिका मंदिर में सुरक्षित रखी गई है। राजकुमारी रुक्मणी अपनी बुद्धिमती, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनके भाई उनका विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ शिशुपाल से करवाना चाहते थे, और चूंकि रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानी सुनते हुए बीता था, इसीलिए उनके पिता और उनके संबंधी भी यही सोचते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण से ही होगा। लेकिन रुक्मणी जी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था, और इसीलिए वह उनका विवाह श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल से तय कर देता है। और इसीलिए विवाह के पूर्व ही श्री कृष्ण को एक सुनंदा नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ प्रेम पत्र भिजवाती हैं। लेकिन अगर श्रीमद्भागवत की बात करें तो श्रीमद्भागवत के अनुसार उन्होंने एक ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास पत्र लेकर भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो नहीं जी पाएंगी और अपने प्राण त्याग देंगी। इसके लिए उन्होंने देवी उमा की यानी कि माता पार्वती की बहुत प्रार्थना की थी और उनको पूजा था, और उन्होंने अपनी भावनाओं को उस पत्र में व्यक्त किया था। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण भी रुक्मणी जी के सौंदर्य के बारे में कई चर्चाएं सुन चुके थे। श्री कृष्ण भी रुक्मणी जी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वह रुक्मणी जी के घर विवाह का प्रस्ताव नहीं भेज पाए थे। और जब रुक्मणी जी का पत्र श्री कृष्ण को मिला, तब उन्होंने रुक्मणी जी को विवाह के लिए रुक्मणी जी से विवाह के लिए उनके हरण करने की सोची, क्योंकि रुक्मणी जी ने उन्हें बताया था कि वह उन्हें कहाँ मिलेंगी और कहाँ से उनको वो ले जा सकते हैं। और श्री कृष्ण ने निश्चय करके रुक्मणी जी का हरण कर लिया। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि देवी रुक्मणी और राधा दोनों एक ही हैं, क्योंकि जब जब देवी रुक्मणी की चर्चा होती है तब राधा की चर्चा नहीं होती, और जब राधा की चर्चा होती है तब देवी रुक्मणी की चर्चा नहीं होती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।